लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने इस बार कई बड़े बड़े वादे किए हैं। तो इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, क्या क्या घोषणाएं की हैं इस पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, लेकिन देखिए कई जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इसमें ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, साथ ही इंस्ट्रूमेंट फोकस, स्कीम फॉर मिडिल क्लास, ऐसी कई योजनाएं जो हैं वो वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से। तरुण से हम जुड़ेंगे, लेकिन देखिए फिलहाल किस तरीके की घोषणाएं जो हैं वो की गई है वो आपको बता देते हैं। 21वीं सदी में बुनियादी तीन तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा अगले 5 सालों में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मेडिकल, साथ ही कॉलेजेस, ट्रक ड्राइवरों के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, इस तरीके का वादा किया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो 5G पर काम चल रहा है, 6G पर भी बहुत जल्द काम किया जाएगा। 5G फिलहाल हम देख रहे हैं कि देश में है और 6G पर आगे काम किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इंडस्ट्री 4.0 पर ध्यान देगी मोदी सरकार, ये कहा गया है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें हाईवे, रेलवे, वाटरवे को आधुनिक किया जाएगा, मेट्रो और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी कदम जो है उठाए जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए रसोई गैस जो है वो सस्ता तो हो गया, लेकिन अब पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जाएगी गैस, और ये भी सस्ती गैस बताया जा रहा है। बिजली बिल जीरो किया जाएगा और बिजली से कमाई की दिशा में काम किया जाएगा। पीएम सूर्य घर योजना पर तेजी से काम किया जाएगा, इस तरीके का वादा किया गया है। साथ ही देखिए न्यू कमर्स जो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी कई योजनाएं लाई गई हैं। मुद्रा योजना जिसमें जॉब जनरेट की जाएगी, लोन की सीमा जो है वो 10 लाख से 20 लाख बढ़ाई गई है। तो ऐसी कई तरीके के वादे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं संकल्प पत्र में। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं, अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाए।